हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग एक और फिल्म या फिर सिंपली कहूँ तमिल की सुपर डुपर हिट रत्त शासन की रीमेक फिल्म मिशन सिंड्रेला की रिलीज के बारे में। तो इसे लेकर अपडेट निकल कर आ गई है कि इस फिल्म को फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी बदनानी थिएटर में बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की तरफ से यही बात कन्फर्म की जा रही है कि इस फिल्म के राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेच दिए गए हैं, वो भी पूरे 135 करोड़ में, जो कि अब डेफिनेटली इस फिल्म को ऑफिशियली अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करेंगे। जिसकी अगर रिलीज डेट की बात करें तो फिलहाल तो ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इस साल इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा ये बात कंफर्म है, जिसमें हॉटस्टार वालों की तरफ से इस फिल्म के लिए समर का मंथ चुना गया है, यानी जून से लेकर सितंबर तक के बीच में इस फिल्म को कभी भी रिलीज डेट के साथ अनाउंस किया जा सकता है। जिस फिल्म की अब कास्टिंग की बात करें तो हमें इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट रकुलप्रीत सिंह नजर आने वाली है, और इसी के साथ साथ इस फिल्म में चंद्रसूर सिंह भी रहेगी, जिनका कैरेक्टर ही इस पोस्टर को देखकर समझ आ जाता है कि एक पुलिस वाले का है, और आखिरी नाम सरगुन मेहता का है। जिन चार कास्टिंग के अलावा फिल्म की और बाकी किसी भी कास्टिंग की कंफर्मेशन नहीं की गई है कि असल में इस फिल्म में मेन विलन का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है, और क्या ये फिल्म रत्त शासन के ही लेवल की बनाई भी गई है या नहीं, या फिर इस फिल्म को ट्रीटमेंट थोड़ा अलग मिलेगा, उसका पता भी फिल्म के फर्स्ट लुक या फिर ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही चलेगा। जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।